बस मैं राज्यवासियों से हाथ जोड़कर यही अनुरोध करूंगी कि एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी पार्टी और महागठबंधन पर भरोसा कीजिए। हम लोग इस राजधानी को मेट्रो सिटी बनाएंगे। हम तमाम जो समस्याएं हैं शहर में लगातार लोग जिससे जूझ रहे हैं उससे निजात दिलाएंगे। और जो जनप्रतिनिधि पिछले 30 साल से आप लोग चुनते रहे हैं, उन्होंने जो दशा इस शहर का किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नली गली गंदगी कचरा मच्छर हर चीज से ये राजधानी कहीं से राजधानी नहीं दिखती। हम लोग मिलके इसे राजधानी बनाएंगे ताकि लोग दूर दूर से इसे देखने आए। एक बड़े विजन के साथ काम करना है, क्योंकि मैं खुद एक साहित्यकार हूँ, एक संस्कृति कर्मी हूँ, एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ, साहित्यकार हूँ, तो देश विदेश में बड़े बड़े आयोजनों में बुलाते रहे हैं लोग, तो हर तरह से हर मैं देश विदेश में घूमकर बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने देखा है। तो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लाकर इस शहर को आगे बढ़ाऊंगी, सुंदर बनाऊंगी, यहाँ विभिन्न संस्थान बनाने में योगदान दूंगी। एक बार मौका देकर देखिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। बस आप लोगों की शुभकामना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और 13 नवंबर को एक बार आप लोग आके वोट जरूर करें ताकि मैं विजयी बनूं और आप लोगों की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। देखिए, ये इस तरह की तो बहुत सारी योजनाएं माननीय हेमंत जी ने लॉन्च की है महागठबंधन की सरकार में। महिलाओं को इसलिए ज़्यादा सशक्त करने की कोशिश की गई, महिला सम्मान योजना हो गया, फिर आपकी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, पोटो हो खेल योजना, पुरुषों के लिए भी बहुत कुछ है, युवकों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लेकिन बहुत सारी योजनाएं। तो ये है कि यहाँ के जो बच्चियाँ मैंने भाजपा के कार्यकाल में, भाजपा यहाँ 2000 से लेकर 2024 के अंदर 17-18 साल तक यहाँ सरकार में थी, डबल इंजन की सरकार थी, कई मुख्यमंत्री हुए। उस समय लड़कियों की तस्करी, दलाल लोग आते थे बाहर से, उनकी तस्करी करते थे, नौकरी देने के नाम पर बाहर ले जाकर हर तरह से उनका शोषण होता था, वो चरम पे थी। एक एक ट्रैफिकर जो थे वो 15,000 लड़कियों की तस्करी कर चुके थे, पन्नालाल। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैफिकर्स थे, माननीय हेमंत सोरेन जी ने उसे खत्म किया, यहाँ उनको अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार से जोड़ा, शिक्षा से जोड़ा, और हमें उस मिशन को भी पूरा करना है और साथ ही अपने शहर का डेवलपमेंट करना है। थैंक यू।